बाल्को प्रबंधन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा आयोजित की। बच्चों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई। चार समूहों में आयोजित स्पर्धा में लगभग 75 बच्चों ने भाग लिया। विजेताओं को बाल्को अधिकारियों ने पुरस्कृत किया। बाल्को प्रबंधन की ओर से नेहरू उद्यान में आयोजित चित्रकला स्पर्धा के पहले समूह ए में कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्होंने क्रियोन्स के माध्यम से चित्रकारी की। समूह बी में तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया था, जिन्होंने पेंसिल कलर के माध्यम से अपनी कल्पनाशीलता का प्रदर्शन किया। तीसरे समूह सी और चौथे समूह डी में क्रमशः पांचवी और छठवीं और सातवीं व आठवीं के बच्चों ने भाग लिया। सी समूह के बच्चों ने वाटर कलर और डी समूह के बच्चों ने ट्यूब पेंट को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। सभी प्रतिभागियों को कैनवास बाल्को प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए। बच्चों को चित्रकारी के विषय स्पर्धा स्थल पर ही उपलब्ध कराए गए थे। विषय के अनुरूप सभी समूहों के प्रतिभागियों ने रंगों और तुलिकाओं के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी सहित बाल्को के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने बाल्को मंच प्रश्नोत्तरी स्पर्धा के 3 सौभाग्यशाली विजेताओं का चुनाव ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया। पत्रिका के सितंबर 2007 का पहला पुरस्कार बाल्को कर्मी श्री डी पी मन्नेवार ने जीता। श्री एम सी मालवीय दूसरे स्थान पर रहे। श्रीमती खीकबाई कर्ष को तीसरा पुरस्कार मिला। विजेताओं को पुरस्कार की राशि कंपनी संवाद विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी।